और आपको एक खुशखबरी हम दे देते हैं कि एक चुनाव तो बीजेपी जीती है लेकिन दूसरा चुनाव आज तक भी जीत रहा है, क्योंकि अभी तक सुबह से जितनी भी व्यूअरशिप आई है डिजिटल पर उसमें आज तक अपने बाकी के प्रतिद्वंदियों से बहुत आगे है। और आज पूरा देश चुनावों के नतीजे जानने के लिए आज तक की इसी कवरेज को देख रहा है, इसी मंच को देख रहा है। इसलिए हमारी इस जीत पर हम आपको भी बधाई देना चाहते हैं, क्योंकि ये आपकी वजह से हुआ है। और अगर आप इस समय हमें देख रहे हैं तो अपने दोस्तों को भी कहिए, अपने परिवार के बाकी लोगों को भी कहिए, जो अभी नहीं जुड़े हैं हमसे वो तुरंत अब इस विश्लेषण के लिए जुड़ जाएं। प्रदीप गुप्ता जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। 50-50 का इनका रहा, लेकिन मध्य प्रदेश में प्रदीप जी के आंकड़े ने कमाल कर दिया है, उस पर इनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन शिवराज सिंह चौहान इस वक्त अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं, सीधे रुख करते हैं। मैं अपनी बहनों को, प्रदेश की सभी बहनों को दोनों हाथ जोड़ के और सिर झुका के प्रणाम करता हूँ आप सबको। नमस्कार। अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री, अपने प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, करोड़ों करोड़ जनता के हृदय के हार है, मुकुट मणि है, प्राण है, और वो एमपी के मन में भी बसते हैं और देश की जनता के मन में भी बसते हैं। उनके प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास हम सबका है। मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी प्रणाम करता हूँ। उन्हीं के प्रति विश्वास ये जीत है जो आज भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रही है। और मेरी बहनों, आपने जो प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, जो स्नेह दिया, उस आशीर्वाद को मैं बार बार नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। मेरी लाडली बहनाएं साथ, लोग कहते थे मीडिया के मित्र की कांटे की टक्कर है, अरविंद का कहीं कांटे की टक्कर नहीं है, लाडली बहनाओं ने सारे कांटे निकाल दिए। हम कहां जाते थे, बहनें आके गले मिलती थी, सर पे हाथ फेरती थी, मुझे स्नेह करती थी और एक ही बात कहती थी, भैया अपन जीतेंगे। नहीं कहती थी कि भैया तुम जीतोगे, वो कहती थी भैया अपन जीतेंगे। भाई और बहन एक हो गए, ये पूरा मध्य प्रदेश अपना परिवार हो गया। और इतना बहनों को, बेटियों को, भाइयों को, भांजे भांजियों को, सबको प्रणाम करता हूँ। और बहनों ध्यान रखना, अभी मिल रहे 1250, अब 10 तारीख आ रही है। भाई ने वचन दिया 1250 से 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 2700 और फिर कितना करेंगे, एक एक बात पूरी होगी। और एक बात ध्यान रखना, जिनको नहीं मिल रहे उनके नाम भी जोड़ूंगा, इतना के 3 साल से ज्यादा उनके भी जुड़ेंगे। बहना बनेगी आज बहुत विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन प्रधानमंत्री जी की जो गारंटी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे। यकीनन जिस तरह से लाडली बहना योजना ने कमाल किया है, खुद प्रदीप जी ने बताया था कि 10% वोट किस तरह से ज्यादा मिला है मुख्यमंत्री के चेहरे और उनकी योजनाओं को लेकर, और उसी का
जिक्र करते हुए भावुक होते हुए दिखाई दे रहे थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तो एक तरफ नरेंद्र मोदी का करिश्मा, तो वहीं दूसरी तरफ लाडली बहना योजना शिवराज सिंह चौहान की, जिससे छप्पर फाड़ कर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है बीजेपी 161 पर, कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा पीछे 66 पर मध्य प्रदेश में इस वक्त दिखाई दे रही है।